नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी पर। और मॉड्यूल 4 की लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, जो कि है टपल्स। और जो टपल डेटा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर है लिस्ट की तरह, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक तो डिक्लेरेशन टाइम का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम सर्कुलर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे जब हमें डिक्लेयर या डिफाइन करना होगा किसी टपल को। और जो नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी। वंस हमने कोई भी डेटा असाइन कर दिया है टपल में तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते जैसा कि हम लिस्ट में चेंज कर सकते थे। तो टपल जो है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसमें हम कोई भी डेटा जो हम असाइन करते हैं, कोई भी एलिमेंट जो हम असाइन करते हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। हम पूरा टपल डिलीट कर सकते हैं बट कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट वो हम चेंज नहीं कर सकते। तो उसी की वजह से इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं जब हम लिस्ट का यूज करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अब देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस है लिस्ट के ओवर टपल की। मैंने आपको बताया था कि लिस्ट हम वहां यूज करेंगे जहां पर हम होमोजीनियस डेटा का कंसेप्ट रखेंगे। ऐसा कंपल्शन नहीं था क्योंकि लिस्ट में हम हेटरोजीनियस डेटा भी ले सकते हैं और होमोजीनियस भी, लेकिन क्योंकि ऑपरेशंस हमें अलग अलग परफॉर्म करने होते हैं और जब ऑपरेशन हम कोई अप्लाई करेंगे तो सिमिलर डेटा पे सिमिलर ऑपरेशन हम इजिली परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए जनरली कहा जाता है कि जहां हमें सिमिलर डेटा रखना है वहां पर हम लिस्ट का यूज करें, और टपल हम जनरली वहां यूज करते हैं जहां पर हमें हेटरोजीनियस डेटा लेना हो, क्योंकि हम डेटा में कोई भी मॉडिफिकेशन टपल में नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि टपल जो है वो एक इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है तो इससे जब हम आइटरेट करेंगे, जब हम टपल में आइटरेशन अप्लाई करेंगे तो वो फास्टर होगी व्हेन वी विल कंपेयर इट विद लिस्ट। तो थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है जब हम टपल का यूज करेंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा बट परफॉर्मेंस बूस्ट होता है जब हम टपल का यूज करते हैं। और एक बार हमने जो डेटा असाइन कर दिया है वो चेंज नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से राइट प्रोटेक्शन एक प्रॉपर्टी डेटा में आ जाती है। राइट प्रोटेक्शन मीन्स जहां पर हमें डेटा को एडमिन ने जो डेटा दे दिया या यूजर ने जो डेटा दे दिया उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना कोई एक्स्ट्रा अथॉरिटी कर पाए, ऐसी जगह हम टपल का यूज कर सकते हैं जहां हमें राइट प्रोटेक्शन डेटा में चाहिए, डेटा की सिक्योरिटी हमें चाहिए, वहां टपल का यूज हम कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर यूज करने से पहले सबसे पहले हम उसके क्रिएशन की बात करते हैं, और क्रिएशन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं जब हमने टपल क्रिएट किया तो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हम एक ब्लैंक टपल क्रिएट करें, एक एम्प्टी टपल क्रिएट करें। तो उसके लिए सिंपल सा टी इज इक्वल्स टू ये सर्कुलर ब्रैकेट हम लिखेंगे तो हमारा एक एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है एक एम्प्टी टपल ही आ रहा है। आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि हमने एक टपल क्रिएट करा है जिसमें इंटीजर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया टपल कैन बी ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स और डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो यहाँ पर हमने सिमिलर डेटा टाइप्स लिए हैं और तीनों जो है यहाँ पर इंटीजर्स हैं। जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी टपल को तो हमारे पास एज इट इज 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैंने लिया है एक टपल जिसमें मैंने हेटरोजीनियस डेटा टाइप्स दिए हैं, मिक्स डेटा टाइप्स दिए हैं। पहला नंबर है 1, सेकेंड एक स्ट्रिंग है राज, थर्ड है 28 और फिर एक स्ट्रिंग है एबीसी। तो मैंने इसको रन किया तो एज इट इज हमारा डेटा प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पर 28.78 अगर ले रही हूँ तो ये भी हमारा यहाँ पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब हमारे पास एक न्यूमेरिक है, एक फ्लोटिंग वैल्यू है और दो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज है इसमें। नेक्स्ट बारी आती है नेस्टेड टपल की। नेस्टेड टपल भी हम ले सकते हैं, नेस्टेड मीन्स टपल विद इन टपल, एक टपल के अंदर दूसरा टपल। तो हमने यहाँ पर एक टी टपल लिया है जिसमें पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एक टपल है 2 3 4, तीसरा है 1 राज 28 एबीसी, एक लिस्ट है। तो एक न्यूमेरिक है, एक लिस्ट है और एक टपल है। इसको हम रन करेंगे तो आउटपुट हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब बारी आती है कि कैसे कैसे हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर सकें। अब इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस तो हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं बट कोई मॉडिफिकेशन उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब थोड़े से चेंजेस है कि अगर हम खाली पैरेंथेसिस में एक स्ट्रिंग ले लें तो क्या होगा। अगर मैंने यहाँ पर खाली एबीसी या खाली राज लिया होता तो क्या होता है इस टपल में। तो चलिए देखते हैं आगे किस तरीके से ये वर्क करेगा। अगर मैंने केवल पैरेंथेसिस लिया है और टी इज इक्वल्स टू मैंने टपल में केवल सैटरडे दे दिया तो ये जो टाइप है इसका ये स्ट्रिंग टाइप प्रिंट होगा। खाली सिंगल हम एक पैरेंथेसिस नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, टी में सैटरडे एक स्ट्रिंग ली और एक एलिमेंट अगर हमने लिया तो यहाँ पर हमें प्रिंट नहीं हो रहा है, हमें जो टाइप है वो टी का स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है। इसके लिए हमें कॉमा यहाँ प्रोवाइड करना होगा। किस तरीके से देखिए, आगे हमने एक और स्ट्रिंग ली, हमने स्ट्रिंग के साथ कॉमा प्रोवाइड कर दिया। तो अब जब मैं टी का टाइप प्रिंट कराऊंगी तो यहाँ पर टपल प्रिंट होगा।
तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कि अगर आपको खाली सिंगल स्ट्रिंग लेनी है टपल का एलिमेंट और आपको उसमें उसका टाइप भी टपल रखना है, मींस राइट प्रोटेक्शन भी रहे, तो आपको एक एक्स्ट्रा कॉमा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं जब हमें लेना हो और हमारे प्रोग्राम में एरर आती है इसकी वजह से। तो अगर हमें सिंगल स्ट्रिंग का कोई टपल क्रिएट करना है तो उसके लिए कॉमा मैंडेटरी है, खाली ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमने ब्रैकेट नहीं दी और इन्वर्टेड कॉमास में स्ट्रिंग दे दी और कॉमा दे दिया तो पैरेंथेसिस ऑप्शनल है इस केस में। देखिए किस तरीके से, नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पर एक प्रिंट कराया, तो यहां जब मैंने टी इज इक्वल टू सतीश और कॉमा ले लिया और प्रिंट कराया है टाइप ऑफ टी, तो क्या हो रहा है, क्लास टपल प्रिंट हो रही है और हमारा जब मैंने टपल प्रिंट करा है तो सतीश कॉमा प्रिंट हो रहा है। तो अगर हमारी सिंगल स्ट्रिंग का टपल हमें क्रिएट करना है तो पेरेंथिसिस ऑप्शनल है बट कॉमा इज मैंडेटरी। तो ये चीजें हैं ध्यान रखने वाली थोड़ा सा। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हमें इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना है किसी भी टपल में, तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंडेक्सिंग की हेल्प से हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टी नाम का टपल लिया जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस के नाम लिए, पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस। अगर मैं T1 को एक्सेस करूंगी तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 पर पाइथन स्टोर है इंडेक्स पे, 1 पे जावा, 2 पे सी और 3 पे सी प्लस प्लस। तो T1 अगर मैं प्रिंट कराऊंगी तो आउटपुट मेरा जावा आ रहा है जैसा कि देख रहे हैं हम। नेगेटिव इंडेक्सिंग इसमें भी अलाउड है, अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग लूंगी तो जैसे अभी तक हम स्ट्रिंग लिस्ट सब में करते आ रहे हैं, सिमिलर नेगेटिव इंडेक्सिंग टपल में भी चलेगी और -1 से मेरा सी प्लस प्लस प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर -1, अगर मैं यहाँ पर -3 देती हूँ तो -1 पर है सी प्लस प्लस, -2 पर सी और -3 पर है जावा। तो रन करने के बाद आउटपुट हमारा आना चाहिए जावा। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यहाँ पर काम करती है। अब नेस्टेड टपल की बात करते हैं कि अगर हमारे पास टपल विद इन टपल है, फॉर एग्जाम्पल टी इज इक्वल्स टू पहला एलिमेंट है लैंग्वेज और दूसरा एलिमेंट है टपल पाइथन जेंगो फ्लास्क। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर T1 यहाँ प्रिंट कराती हूँ तो T1 में पूरा हमारा टपल प्रिंट हो जाएगा पाइथन जेंगो फ्लास्क। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ इन तीनों लैंग्वेजेस में कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज प्रिंट हो, फॉर एग्जाम्पल 0 जो यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू है इंडर वाले टपल की, उसमें पाइथन है, 1 पर जेंगो है और 2 पर फ्लास्क है, तो अगर मैं T12 प्रिंट कराती हूँ तो मेरा प्रिंट होना चाहिए फ्लास्क। तो यहाँ पर फ्लास्क प्रिंट हो रहा है, लेकिन अगर मुझे इसे मॉडिफाई करना है, मैं इसको -1 करके प्रिंट कराऊं तो फर्स्ट इंडेक्स का लास्ट एलिमेंट दैट इज ऑल्सो फ्लास्क, वो भी प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर -1 -1 अगर मैं लूंगी तो भी हमारा सही चलेगा, क्योंकि पहला -1 इंडिकेट कर रहा है टी टपल का लास्ट एलिमेंट और टी टपल का लास्ट एलिमेंट है ये पूरा टपल, और इस टपल का भी लास्ट एलिमेंट क्या है फ्लास्क। तो ये -1 डिपेंड कर रहा है फ्लास्क पे। अब मैं इसको अगर -2 कर दूंगी तो हमारा प्रिंट होगा जेंगो। अब पहला अगर एलिमेंट मुझे प्रिंट करना है तो उसके लिए मुझे सिंपली यहां पर देना पड़ेगा T0 या T-2, तो इससे हमारा प्रिंट हो जाएगा लैंग्वेज। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग की हेल्प से नेस्टेड टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सभी एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। स्लाइसिंग भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइसिंग मींस मैं टपल को चेंज नहीं कर रही हूँ, तो पॉइंट ये मेंशन करने वाला है, स्लाइसिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी टपल में कोई मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि टपल जो है वो म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप है, उसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते तो केवल हम उसके एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करा सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं स्लाइसिंग का लेती हूँ। इसमें मैंने क्या किया कि एक टी टपल लिया है 1 2 3 4 5 6 और मैंने प्रिंट कराया T1 2 4। अब 1 2 4 का मतलब सेम ही है, 1 मींस स्टार्टिंग इंडेक्स एंड सेकंड जो इंडेक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मतलब है कि लास्ट -1, तो 1 2 3, 0 पर 1 है, 1 पे 2 है, तो 2 3 ये एलिमेंट हमारे 2 3 4 प्रिंट हो जाने चाहिए पहले से। दूसरे को अभी मैं कमेंट कर देती हूँ, पहले मैं समझाऊंगी उसके बाद हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने क्या किया, 1 2 4 एलिमेंट जब प्रिंट कराए तो हमारे पास 2 3 4 प्रिंट हो गया, क्योंकि 2 1 इंडेक्स पर है, 3 हमारा 2 इंडेक्स पर है और 4 हमारा 3 इंडेक्स पर है। अब बारी आती है नेगेटिव इंडेक्सिंग की। हमने दूसरा जो प्रिंट का एग्जांपल लिया हुआ है उसमें मैंने पहला एलिमेंट तो प्रोवाइड नहीं किया। पहला एलिमेंट मीन्स के कोई भी मैंने
स्टार्टिंग एलिमेंट नहीं लिया, स्टार्टिंग मीन्स जीरो से स्टार्ट होगा, और माइनस टू मीन्स सेकेंड लास्ट एलिमेंट, सेकेंड लास्ट। माइनस वन अगर लिया होता तो लास्ट होता, और माइनस टू मीन्स सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट से पहले वाला। अब मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगी तो रन करने के बाद 1, 2, 3, 4 प्रिंट होगा, क्योंकि सेकेंड लास्ट तक तो मैं छोड़ चुकी हूँ। सेकेंड माइनस टू देने का मतलब है कि माइनस टू तक मुझे नहीं लेना, उससे पहले एलिमेंट तक एक्सेस करना है। अब नेक्स्ट मैंने लिया है स्टार्टिंग टू एंड। स्टार्टिंग टू एंड मीन्स मैंने कोई भी पैरामीटर यहाँ प्रोवाइड नहीं किया है, और इसको रन करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारा प्रिंट हो गया, सारे एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज चेंजिंग अ टपल। चेंजिंग तो पॉसिबल ही नहीं है टपल में, जैसे लिस्ट में पॉसिबल थी। इम्यूटेबल है तो एक बार जो हमने साइन कर दिया वो हम डेटा इसमें चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टपल यहाँ क्रिएट किया 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7। अब मैं चाहती हूँ कि T2 पर मैं X स्टोर कर दूँ, तो ये एक टाइप एरर आ जाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो टपल है वो म्यूटेबिलिटी मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करता। तो टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप ये एरर यहाँ देख सकते हैं, टाइप एरर कौन सी आई है कि टपल जो डेटा टाइप है, जो टपल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है पाइथन में, वो आइटम का असाइनमेंट एग्जिस्ट नहीं करवाता, वो सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एक बार जो हमने साइन कर दिया उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सिमिलरली T41, वहां पर हम लिस्ट में कोई चेंज करना चाहें तो ये चेंज पॉसिबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो हमने टपल डिक्लेयर किया था, फिर मॉडिफिकेशन क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये जो हमने टी टपल यहाँ क्रिएट किया है इसमें 1, 2, 3, 4 चार एलिमेंट तो न्यूमेरिक है, पांचवा जो एलिमेंट है 5, 6, 7 दैट इज अ लिस्ट। अब ये जो एलिमेंट है ये कौन से इंडेक्स पर है, 0, 1, 2, 3 एंड फोर्थ इंडेक्स पे 5, 6, 7 है, फोर्थ के सेकंड वैल्यू को हमने चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ की सेकंड वैल्यू एक्सेस करने के लिए पहली वैल्यू 0 इंडेक्स से एक्सेस होती है और दूसरी वैल्यू 1 से, तो हमने फोर्थ के फर्स्ट इंडेक्स को चेंज किया और हमने वहां पर 6 की जगह पाइथन कर दिया। तो जो मॉडिफिकेशन हमने किया है वो मॉडिफिकेशन हमने लिस्ट में किया है, वो मॉडिफिकेशन हमने टपल में नहीं किया। अगर इसी में मैं T4 को अपडेट करना चाहूं, मैं चाहूं कि इस लिस्ट की जगह केवल पाइथन आ जाए, तो हमारी एरर आ जाएगी, क्योंकि हम अब टपल का एक एलिमेंट चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम टपल का कोई एलिमेंट अगर लिस्ट है और उसमें हम मॉडिफिकेशन करना चाहें, देन इट इज पॉसिबल, फिर हम इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि ऑल्दो टपल म्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट फॉलो करता है, उसमें हम आइटम असाइन नहीं कर सकते क्योंकि इम्यूटेबल डेटा टाइप है, लेकिन अगर टपल का कोई एलिमेंट एक लिस्ट है, उस लिस्ट के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें चेंज करना है, देन वी कैन डू दैट यूजिंग दिस इंडेक्सिंग कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्केटेनेटिंग टपल। हमारे पास दो टपल है, T=1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। तो अगर हम इन्हें कॉन्केटेनेट करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर यहीं पर मैं टी टपल को, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक टपल लेती टी, या इसको ही T2 is equals to this एंड T1 is equals to this, और मैं यहां पर ले लेती T1 is equals to T1 plus T2, और अब मैं यहां पर T1 को प्रिंट कराती तो हमारा ये कॉन्केटेनेशन इस तरीके से भी हो सकता था। तो आप कॉन्केटेनेशन जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से दो टपल को कॉन्केटेनेट कर दे सकते हैं। कॉन्केटेनेशन मीन्स दो टपल को ज्वाइन करना। अब अगर हमें एक ही एलिमेंट को बार बार प्रिंट कराना है किसी भी टपल के, तो वो सिंपली हम एस्ट्रिक से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से प्रिंट करा सकते हैं। ये देखिए टी हमने एक लिया है यहाँ पर टपल सतीश, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करके आइट्रेट किया बार बार, और एक ही एलिमेंट को बार बार प्रिंट करा है, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर हम अलग अलग एलिमेंट्स भी ले सकते हैं इस तरीके से, उन्हें भी हम प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट इज टपल डिलीशन। हम इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते पर पूरा टपल एक बार में डिलीट कर सकते हैं, दैट कैन बी डन यूजिंग डेल कीवर्ड। तो टी अगर हमारा टपल एग्जिस्ट कर रहा है और हम उसे डिलीट कर रहे हैं तो हम ये पॉसिबल है इसको डिलीट करना। अब इससे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब जब मैं प्रिंट टी कराऊंगी तो आप देख सकते हैं डिलीट करने के बाद प्रिंट टी में एरर आ जाएगी, नेम एरर
एंड दिस नेम एरर शोज दैट कि टी हमने एक टपल क्रिएट किया फिर उसको हमने डिलीट कर दिया, तो जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो प्रिंट कहाँ से होगा, इसलिए नेम एरर आ रही है जब हम टपल टी को डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज टपल काउंट। अगर हमें किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है कि टपल में कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम टपल काउंट टी काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। एंड टी काउंट मीन्स टी इज द नेम ऑफ टपल एंड काउंट इज द फंक्शन। हमने इसमें वन की फ्रीक्वेंसी चेक की, चाहे तो हम दूसरी थ्री की फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। रन करने के बाद इट विल गिव थ्री। इस थ्री की जगह अगर मैं सेवन दूंगी जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो काउंट फंक्शन जीरो रिटर्न कर देगा क्योंकि जीरो ही इसका काउंट है, सेवन इस में आ नहीं रहा है किस टपल में। नेक्स्ट इज टपल इंडेक्सिंग। हमने लिखा 1 2 3 1 3 3 4 1, एक टपल लिया है एंड हमने प्रिंट कराया टी डॉट इंडेक्स 3। इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज इक्वल टू 3। अब यहां पर 3 कई बार एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन पहला जो 3 आएगा उसका इंडेक्स इससे रिटर्न हो जाएगा। तो पहले 3 का इंडेक्स क्या है, 2, 0, 1, 2 इंडेक्स पर ये है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स इसका रिटर्न कर देगा। आप चाहें तो 2 के लिए या 1 के लिए इसे चेक कर सकते हैं। 1 के लिए चेक किया तो इंडेक्स 0 आ गया, 4 के लिए आप चेक करेंगे तो इसका इंडेक्स चेंज हो जाएगा, 6 आ जाएगा एंड इंडेक्स वैल्यू विल स्टार्ट विद 0। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर अगर हमें टपल में अप्लाई करना है, इन और नॉट इन सेम ही वो फंक्शन है जो हमने लिस्ट में भी किया था। टी एक टपल लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, हमने चेक किया प्रिंट 1 इन टी। अब 1 टी में प्रेजेंट है तो रन होने पे आउटपुट आएगा ट्रू, अगर 1 नॉट इन टी में यहाँ लिखूंगी तो आउटपुट हमारा फॉल्स हो जाएगा। सिमिलरली 7 इन टी में अगर रन करूंगी तो आउटपुट आएगा फॉल्स क्योंकि 7 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और 7 नॉट इन टी में अगर करूंगी तो आउटपुट हमारा आएगा ट्रू क्योंकि 7 टी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब ये है कुछ बिल्ट इन फंक्शंस जो कि टपल में हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला फंक्शन है लेंथ के लिए। टपल की लेंथ अगर हमें फाइंड करनी है LEN, ये हमने लिस्ट में भी यूज किया था। इसे रन करने के बाद टपल की लेंथ आ गई है 6 क्योंकि 6 लेंथ का टपल है। अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स आपको यहाँ पर लेने हैं तो वो भी पॉसिबल है, और तो भी हमारी लेंथ कैलकुलेट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक डिफरेंट डेटा टाइप ले लिया है ABC, टपल की लेंथ हो गई है 7। नेक्स्ट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है सॉर्ट के लिए। सॉर्टेड नाम का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं टपल को सॉर्ट करने के लिए। नए टपल में अगर हमें उसे स्टोर करना है, क्योंकि प्रीवियस में तो हम कोई चेंजेस कर ही नहीं पाएंगे। आपको याद हो हमने लिस्ट में दो फंक्शन यूज करे थे, एक अगर उसी लिस्ट में स्टोर करना है और एक हमने नई लिस्ट में स्टोर करना है, लेकिन टपल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम ही टपल को सॉर्ट करके हम अपडेट कर दें, तो इसलिए हमने नए टपल में पुराने टपल को सॉर्ट करके स्टोर किया है। न्यू टी इज इक्वल टू सॉर्टेड टी। तो अब हम जब इसको प्रिंट कराएंगे तो सॉर्टेड 1 2 3 4 5 एज अ लिस्ट प्रिंट होगा। तो सॉर्टेड जो फंक्शन है वो टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, टपल में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। ये एक पॉइंट है नोट करने के लिए कि सॉर्टेड फंक्शन अप्लाई करने के बाद टपल पे जो नया डेटा स्ट्रक्चर आता है दैट इज लिस्ट। टू फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट वी कैन यूज मैक्स फंक्शन, मैक्स ऑफ टी, एंड इट विल रन एंड इट विल गिव द आउटपुट 9 क्योंकि 25169 में मैक्सिमम है 9। मिनिमम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं मिन फंक्शन, 1 आ जाएगा आउटपुट, और सम भी हम यूज कर सकते हैं यूजिंग सम। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी फंक्शन हमने टपल में पढ़े उसमें टपल का कहीं भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं था, जो भी था केवल डेटा को चेक कर सकते हैं या डेटा को कहीं और स्टोर कर सकते हैं, लेकिन टपल में हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करा। इसी के साथ हमारा जो मॉड्यूल 4-5 है वो खत्म हो रहा है। आज से हमारी क्विज लाइव हो जाएगी, आप अपनी क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज। थैंक यू।